मैंने मतलब 12th के बाद ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पीजीडी से मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ, और अब मतलब अपने आजीविका चलाने के लिए केला चिप्स के मतलब छोटी मोटी बना के देते हैं। नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा में सिविल लाइन क्षेत्र में LIC ऑफिस के पास मौजूद हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि कई युवा जो डिग्री कर लेने के बाद सरकारी नौकरी की तलाश में परेशान होते रहते हैं और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, लेकिन कई युवा ऐसे होते हैं जो अपने मेहनत के दम पर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर रहते हैं। तो हमारी आज मुलाकात ऐसे ही एक युवक से हुई है जो खंडवा में पढ़ाई के लिए आए थे, कॉलेज की डिग्री करने आए थे। तो इन्होंने खंडवा पहुंचने के बाद BA किया, उसके बाद PGDCA किया, और ये सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, PSC की तैयारी कर रहे हैं। तो ये दिन भर यहाँ पर केला चिप्स बनाकर बेचते हैं, तो केला चिप्स बनाकर ये अपनी आजीविका भी चला रहे हैं और साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं पवन कुमार वास्कले, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के रिचड़ी खेड़ा गांव से यहाँ खंडवा में आकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। तो हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वे सुबह से कब निकलते हैं, किस तरह से केला चिप्स का काम करते हैं, और ये केला चिप्स की दुकान से इनको कितनी आय हो जाती है, और आगे सरकारी नौकरी में जाने का इनका क्या लक्ष्य है। तो खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जनता से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। पवन भाई से बात करेंगे। पवन भाई, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर, मैं खालवा, अपने तहसील खालवा और पोस्ट कोटा ग्राम रिचड़ी खेड़ा का रहने वाला हूँ, और जिला खंडवा लगता है। आपने क्या किया है पढ़ाई में? मैंने मतलब 12th के बाद ग्रेजुएशन किया, उसके बाद PGDCA से मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ, और अब मतलब अपने आजीविका चलाने के लिए केला चिप्स के मतलब छोटे मोटे बना के देते हैं। जी, आप क्या अभी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं? जी सर। काय की तैयारी कर रहे हैं? PSC UPPSC की तैयारी चल रही है सर अभी। अच्छा जी। अभी तक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो आप? सर, एक बार गया था। जी जी। बाकी अभी तैयारी जारी है। जी। तो ये काम जो आप कर रहे हैं केला चिप्स का, आप सुबह घर से कब आ जाते हैं? सर, 11:30 के लगभग। और यहाँ कब तक बैठते हैं? 8 बजे 9 बजे, 8 से 9, 10 भी बज जाती है, रात के 9-10 बजे तक। जी। अच्छा, तो आप 11 बजे तक आते हैं, उससे पहले घर पे पढ़ाई भी करते हैं? जी, अपने PSC और UPSC की तैयारी के लिए। जी। अच्छा, तो ये जो काम करते हैं, तो डेली आपको कितने रुपए मिल जाते हैं? सर, इसमें अपने को 250 से 300 रुपए अपनी मजदूरी निकल जाती है। जी। सब खर्चा काटते हुए। जी। मतलब जैसे नौकरी जब मिलना होगी, जब मिल जाएगी। जी। लेकिन आप कम से कम ये काम के जरिए अपने पैरों पे खड़े हो चुके। जी। इससे अपना घर चल जाता है। जी, चलाना पड़ता सर, मतलब सब मेंटेनेंस करके। अच्छा जी जी, ठीक है। तो कई और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अजय राठौर। राठौर जी, आप यहाँ से केला चिप्स रोज लेने आते हैं? रोज ले जाते हैं। ये अजय भैया जो दुकान लगाए हुए हैं, तो ये अच्छा बना के देते हैं? नहीं, अच्छा बना के देते हैं, उनकी मेहनत से बना के देते हैं, और चीज भी क्वालिटी भी अच्छी है इनकी। अच्छा। और बड़े मेहनती है, माने काम के प्रति सतर्क है ये लोग। जी। तो जैसा आपको भी पता है कि भाई ये नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए इन्होंने ये कोशिश की है, तो आपको भी ये बात अच्छी लगती होगी कि भाई एक युवक जो है वो अपने पैरों पे खड़े होने के लिए ये काम कर रहे हैं। भाई हमारे साथ का ही भाई है ना, हम भी बेरोजगार है। जी। आज हम भी मान लीजिए साइड में हमारा आइल पाउच का टप है। जी। और अब हम ऑटोमोबाइल लाइन में 3 साल से कार्य कर रहे थे, हमें कुछ ही नहीं मिला। जी। उसके बाद भी माने हमने भी हमारी जीविका की चलाने की पर्सनल हमारा काम चालू किया, ऑटो छोटा मोटा, मैंने गाड़ी वाड़ी धोने का वॉशिंग सेंटर। जी जी जी। तो सर, ये अच्छा कर रहे हैं, मतलब बढ़िया कर रहे हैं। आप भी इनको मोटिवेट करते हैं? मोटिवेट करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करते, बढ़िया काम चल रहा है इनका। ठीक। हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।